बच्चा शुरू से ही ऐसा रहा है, ये हमेशा इसको अटेंशन मिलती है, ये दूसरों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। मेरा नाम है विनीता, विनीता वालिया, एंड मेरे हस्बैंड हैं भूपेश वालिया। तो जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है जूनियर मिस इंडिया 2024 जो बॉम्बे में कंट्री क्लब में वीरा देसाई रोड पे एक हुआ था इवेंट, नेशनल लेवल का इवेंट था, उसमें मेरी बेटी जो है वो दो टाइटल्स जीत कर आई है, जिसमें कल्चरल राउंड था, इंडियन कल्चर राउंड जहाँ पे वो विनर रहे, और एक था वेस्टर्न वेयर राउंड जहाँ पे वो सेकेंड रनर अप रहे। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट एज अ पेरेंट हमारे लिए तो है ये, पंजाब के लिए है, लुधियाना के लिए है, क्योंकि इस बच्चे ने नेशनल लेवल पर लुधियाना को और पूरे पंजाब को रिप्रजेंट किया है। कैसा लग रहा है मतलब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं होती है जब आप अपने बच्चे के नाम से जाने जाते हैं ना। तो नाउ वी आर नोन एज यानास पेरेंट्स, सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। ये बच्चा शुरू से ही ऐसा रहा है, ये हमेशा इसको अटेंशन मिलती है, ये दूसरों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, अ वेरी गुड परफॉर्मेंस नॉट फ्रॉम नाउ, बट वो जब से छोटी सी थी, यानी कि शी वॉज 11 मंथ्स ना, तब से हमने देखा है, हमने उसको एक बेबी शो में पार्टिसिपेट करवाया था, तब से वो बहुत ही खुश होती है जब भी हम उसको इस तरह के इवेंट्स में लेके जाते हैं, और बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। बाकी पेरेंट्स को क्या मैसेज करना? बाकी पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि बच्चे सभी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, भगवान ने सभी को हुनर दिया है, तो सिर्फ हमें कोशिश करनी होती है कि हम उस हुनर को तलाशें, और बच्चा जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है, जिस चीज़ को वो पसंद करता है, उसे उस चीज़ में हम आगे बढ़ाएँ, उसको इंकरेज करें, चाहे वो प्राइज लाता है या नहीं लाता है, चाहे वो जीतता है या हारता है, हम उसे इंकरेज करें। 5 साल की थी, मैं 6 years हो गई अभी पूरी। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? केजीएफ। आपने जो प्राइज जीता है उसके बाद कौन सा कंपटीशन जीता? मैंने अपना रैम वॉक कर जीता है। कंपटीशन जूनियर मिस इंडिया। कैसा लग रहा है? 2024 कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या किया आपने? मैंने उधर रैम वॉक किया, भरतनाट्यम वॉक किया, मैंने पोजेस किए, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, मुझे टाइटल्स मिले। मेरा नाम भूपेश वाली है। आपके बच्चे ने जो जीता है प्राइज उसके बारे में? सर देखो ऐसा है कि पार्टिसिपेशन ये बहुत सारे प्लेस में करती रहती है। शी स्टार्टेड हर करियर वेरी लेस देन 1 ईयर ऑफ द एज। इसने 1 साल की कम उम्र में ही अपना पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले इसको जो टाइटल मिला था डेजलिंग बेबी, है ना, डेजलिंग बेबी इसको टाइटल मिला था। उसके बाद इसके जो इसका जो प्लेवे स्कूल था उसमें इसको टाइटल्स मिलने शुरू हुए। तो मेरा जो इसका जो मेन इसका पार्टिसिपेशन का जो मेन रोल रहता है उसमें मेरी वाइफ का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो शी चेक्ड ऑल दी चैनल्स की कहाँ पर कौन सा किड्स का शो आ रहा है, तो शी चेक की ऐसे करके लास्ट ईयर चंडीगढ़ में ऑडिशन हुआ था, अब लुधियाना में ऑडिशन हुआ है पूरे पंजाब का इन पवेलियन मॉल के अंदर, तो जूनियर मिस इंडिया का, ठीक है। एंड उसमें शी सिलेक्टेड आफ्टर 10-15 डेज हमें मैसेज एंड वहाँ से रिप्लाई आया कि आपका बच्चा जो है फॉर जूनियर मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले के लिए भी सिलेक्ट हो गया है, जो बॉम्बे के अंदर उसका होगा, लोकेशन हो गया है। तो हमें बड़ा प्राउड फील हुआ, हमें लगा कि हमारे बच्चे ने जो स्टेट लेवल पे जो मेहनत करी है उसको हमने नेशनल लेवल पे और डबल अच्छे से करवा के इसको अच्छा प्रेजेंट करके, ताकि पंजाब का नाम रोशन हो कि पंजाब और लुधियाना के शहर से हमारा बच्चा सिलेक्ट हुआ है और नंबर 1 बना है। तो उसमें इसने प्ले किया वहाँ पर, एंड इट इज़ द वेरी बेस्ट मोमेंट ऑफ आर लाइफ कि हमारे बच्चे ने वहाँ पे परफॉर्म के साथ साथ टाइटल भी दौड़ दिए, एंड शी इज़ द ओनली चाइल्ड, यानी कि पूरे इंडिया में 130 कंटेस्टेंट जो अलग अलग 15-20 स्टेट से आए थे, वहाँ से इस बच्चे ने under 4 to 6 कैटेगरी में under 2 rounds जूनियर मिस इंडिया के इंडियन कल्चर राउंड में विनर एंड वेस्टर्न कल्चर राउंड में सेकेंड रनर अप इसने हासिल किया। सो आई रियली प्राउड कि मैंने पंजाब, लुधियाना, पंजाब, देन इंडिया,
में मेरे बच्चे ने किया है और मैं हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि हम बच्चे के नाम से जाने, अरे ये याना वाले का फादर है मदर है, तो ये मेरे लिए बहुत है। और इवन इसके दादू यानी कि मेरे फादर सुभाष चंद्र वालिया वो इनके साथ रहते हैं, सो उनका बड़ा इसमें योगदान है कि वो भी साथ में रहते हैं इनके, सो मोटिवेट करते रहते हैं। नेक्स्ट के लिए क्या बच्चे क्या प्लान? नेक्स्ट के लिए सर ये हमारे लिए बड़ा है, चूजी है, बिकॉज इंडिया में इंटरनेशनल लेवल तक के जो आते हैं प्लेसमेंट्स वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैं, बहुत आर्टिस्ट हैं हमारे स्कूल पूरे इंडिया में, परफॉर्मर्स हैं डांस में, तो शी इज़ हैविंग वेरी डांसिंग स्किल, तो हम इसको डांस के लिए प्रमोट करेंगे, आगे फैशन के लिए प्रमोट करेंगे, ताकि इसका जैसे आगे प्रोग्राम्स हैं डांस इंडिया डांस है, डांस दीवाने हैं, और इंडिया बेस्ट टैलेंट वाला जो है वो भी चलता है चैनल्स में, तो हम इसको उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली फॉर द डांस के लिए, हम नेक्स्ट आगे भेजेंगे ताकि बच्चा इंटरनेशनल पे और प्रमोट हो।